अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं जुनेद हलीम। पहले एक नजर दुनिया हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी कौम एक और सानहे से दो चार। कराची से इस्लामाबाद जाने वाला भोजा एयरलाइन का तैयारा रावलपिंडी में गिरकर तबाह, अमले समेत 127 मुसाफिर जां बहक। तैयारे के मलबे से तमाम लाशें निकाल ली गईं, ब्लैक बॉक्स मिल गया। खराब मौसम हादसे का बायस बना, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट। गम से निढाल लवाहिकीन इस्लामाबाद जाने के लिए बेकरार, निजी एयरलाइंस ने मौका देखकर किराए बढ़ा दिए। कराची के नौब्याहता जोड़े के अहले खाना पर कयामत टूट पड़ी, इकलौती बेटी एयर होस्टेस गजाला मलिक भी वालिदैन को सोगवार छोड़ गई। रहमान मलिक का कहना है कि हादसे की हर जाविये से तहकीकात करवाई जाएंगी। फारूक भोजा का नाम ECL में डाल दिया गया। कराची के शहरियों के लिए अम एक ख्वाब बन गया, फायरिंग से मजीद 17 अफराद की जिंदगी खत्म हो गई। सदर जरदारी कहते हैं सियाचिन में मुश्किलात का इल्म है, लेकिन यकतरफा फौजें वापस नहीं बुला सकते। 11 सेक्टर में जवानों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। इमरान खान का बरसर इकतदार आकर बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालने का ऐलान। बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन न पहले कामयाब हुआ न अब होगा। और चीन में एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप जारी है, मेजबान मुल्क के लंदन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। दुनिया न्यूज़ में बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे भोजा एयरलाइन के क्रैश होने वाले तैयारे की।